नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में 17वें नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में 400 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री योगी ने अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश युवाओं के अनुकूल है, जो उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए मंच प्रदान कर रहा है। प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी नौकरी देने के लिए ग्रुप 2 और 3 के नॉन गेजेटेड पदों में इंटरव्यू की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, जो सरकार के हर युवा को नौकरी उपलब्ध कराने के मजबूत संकल्प को दिखाता है। एक समय सीमा के अंदर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपको नियुक्ति पत्र प्रदान करते थे, आपके भावी जीवन के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में जो कदम उठाए जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं सबसे पहले नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर आप सभी 1573 ENM हेल्थ वर्कर्स को, आपके अभिभावकों को, माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। तो वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण को यौन शोषण केस में अंतरिम जमानत दे दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। देखिए, अभी ये जो बेल है ये अंतरिम बेल है। बेसिकली इनको अरेस्ट नहीं किया गया था, इस ग्राउंड पर उन्होंने मांगा, उन्होंने कहा कि अंतरिम बेल है और पूरी सुनवाई परसों होगी। कल परसों तक के लिए उन्होंने अंतरिम बेल दी। 20 तारीख को 2:30 बजे के लिए है, जिसमें एक्यूज को भी पेश होने के लिए कहा गया है। अब उसमें जो आगे की आर्गुमेंट चार्जशीट, दूसरी बड़ी बात, जो लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल की है उसकी कॉपी सप्लाई कर दी गई है। चार्जशीट पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है। राजनीतिक साजिश के तहत ब्रजभूषण शरण सिंह सांसद और विनोद तोमर को उनके साथ की वजह से फंसाया गया, जबकि उनका कोई दोष नहीं है, पूरी तरह से निर्दोष है, पूरी तरह से इनोसेंट है। राजनीतिक ये क्यूज का पक्ष है, पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है, जो 6 महीने से लगातार चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसा प्रकरण हुआ है। आपको बता दें कि आज यानी मंगलवार को 6 बालिग पहलवानों द्वारा दर्ज कराए गए यौन शोषण केस में सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को समन जारी करके दोनों को 18 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। इस पर ब्रिजभूषण ने कहा था कि वह कोर्ट में जरूर पेश होंगे, पेशी के लिए उन्हें कोई छूट नहीं चाहिए। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। एक और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है, कभी बढ़ भी रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार हो रही बारिश से गंगा समेत अन्य नदियां भी उफान पर हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। पहाड़ और मैदानी इलाकों में हो रही लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के हालात देखकर आज सभी हैरान हैं। यमुना नदी का जलस्तर कभी घट रहा है तो कभी बढ़ रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में बह रही गंगा में भी पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी की बात करें तो माँ गंगा का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। गंगा कभी कभी स्थिर हो जाती है तो कभी कभी लगातार बढ़ती चली जाती है।
मौजूदा स्थिति में गंगा नदी अपने उफान पर है, जिससे घाटों की सीढ़ियां और घाटों की सीढ़ियों पर मौजूद छोटे छोटे मंदिर डूब चुके हैं। और जैसे जैसे गंगा का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे घाट पुरोहित अपने स्थान को बदलकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। घाटों पर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को पानी के ज्यादा अंदर ना जाने की चेतावनी भी दी जा रही है। वहीं प्रयागराज में भी गंगा का जल स्तर दिन ब दिन बढ़ रहा है। ये सच्चा बाबा घाट है और प्रतिदिन 1 फुट की जो है ऊंचाई से जो है जल बढ़ रहा है, और इस समय जितने यात्री निवास घाट पर बने हुए वो सब डूब चुके हैं। तो आप लोग भी पीछे हटते हैं? हाँ, अब जैसे जैसे जल बढ़ रहा है उस रफ्तार से जो है धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। सच्चा बाबा आश्रम घाट है, घाट पर जो है जितनी भी ये यात्री निवास वाली बारादरी बनी हुई है ये सब जल में समाहित हो चुकी है। स्नार्थियों को नहाने के लिए जो है बैरिकेटिंग लगाई गई है, उसके अंदर रह के जो है स्नान किया जा रहा है। इसमें सावन का पवित्र मास चल रहा है, मास में बहुत सारे गंगा माँ के श्रद्धालु जो है आ रहे हैं और स्नान करके पूर्ण की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद घाटों की सीढ़ियां भी डूब गई हैं। कल से आज तक करीब 5 इंच पानी बढ़ा है घाटों में, पानी आ चुका यहाँ पे। हाँ, मतलब 5 इंच रोज बढ़ रही है गंगा, थोड़ा थोड़ा रोज बढ़ रहा है धीरे धीरे। अभी फिलहाल क्या नाव चलाने पर रोक लगी है या? नहीं नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना ज्यादा पानी भी नहीं है। उम्मीद है आने वाले समय, अब आने वाले समय में देखो तो माता जी की कृपा है, कितने क्या आ सकती है। सभी घाटों पे हमने पुलिस कर्मियों को रहने को कहा है और हमारा प्रयास होगा कि गंगा के इस जल स्तर में लोग तैरने के लिए, नहाने के लिए, मौज मस्ती के लिए अथवा ऐसे किसी कार्य के लिए ना जाएं। यह समय कानपुर नगरवासियों से अपील करता हूं, घाट पे जो लोग हैं मैं उनसे भी अपील करता हूं कि वो इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की मनोवृत्तियों को रोकें और इसे जो है हतोत्साहित करें। सबका एक दूसरे को रोकना और गंगा में स्नान के लिए जो है तैरने के लिए या अन्य प्रकार की क्रीड़ा गतिविधियों के लिए मुझे नहीं लगता कि जाना बेहतर है। उधर आगरा में तेज बहाव के साथ यमुना नदी उफान पर है। आपको बता दें कि नदी किनारे बसे गांव के लोगों का सामान बाढ़ के पानी में बहने लगा है। एक किसान का अनाज और भूसे का कूप बह गया, जिसको बचाने के चक्कर में 3 ग्रामीण भी बह गए। बटेश्वर में तैनात गोताखोरों ने मोटर बोट के जरिए 3 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित बचाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही आपको बता दें कि यमुना नदी का जलस्तर घाटों मंदिरों तक पहुंच गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने किनारे पर नहीं जाने की चेतावनी दी है। जमुना जी की लहरों में फंसे लोगों को टापू से एनडीआरएफ की टीम जो लगातार रेस्क्यू करके ला रही है, आप देख सकते हैं मेरे साथ जो लोग हैं जो फंसे हुए थे उन्हें एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है और गांव से लेकर आ रही है। वहां तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो रेस्क्यू टीम में शामिल हैं और एनडीआरएफ टीम लगातार बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाल कर ला रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जा रहा है, कि महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। एनडीआरएफ टीम लगातार इन लोगों को बाहर लेके आ रही है और लोगों का बचाव कार्य में तमाम सरकारी जो मशीनरी है, वो लगी हुई है और लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जो सरकार की बकायदा कदायफ है वो लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं मेरी साथ तस्वीरों में एक दूसरे एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाहर निकाल के ला रही है। एनडीआरएफ के लगातार जवान लगे हुए हैं जो लोगों को बचाकर बाहर ला रहे हैं। बाढ़ की स्थिति से लोगों को निकाला जा रहा है, जहां टापुओं पे लोग घिरे हुए हैं, जिन जिन गांवों में लोग घिरे हुए हैं उन्हें लगातार रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम लगातार कार्य कर रही है और तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तमाम मौके पर हैं जो लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का जो व्यवस्थाएं की हैं उन्हें तैयारी की है। जो लोग बाहर आ रहे हैं उन्हें तत्काल हॉस्पिटल भेजा जा रहा है, उनका अगर इलाज की आवश्यकता है तो उन्हें इलाज कराया जा रहा है
और जो राशन की आवश्यकता है उन्हें राशन दिया जा रहा है। तमाम जो टीमें हैं तैयार हैं, तमाम टीमें एनडीआरएफ और प्रशासनिक टीमें लोगों को बाहर निकाल के ला रही हैं और उनको एक सही स्थान पर भेजा जा रहा है जहां लोगों को परेशानी ना हो। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। तो वहीं मुरादाबाद में भी भारी बारिश के बाद ढेला नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण शहर के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए तो खेतों में लगी किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद ढेला नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मुरादाबाद के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण किसानों को फसलों का नुकसान हो रहा है। स्थानीय लोगों में से एक ने कहा कि वो पिछले 4 दिनों से ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। तो वहीं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जज रामकिशोर यादव ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 80,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया। इस मुकदमे की पैरवी कर रही पॉक्सो कोर्ट की स्पेशल डीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना फरह के में बीते 18 मई 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 मई की शाम को उनका पति महेंद्र सिंह अपनी 10 साल की बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। तो आज हमारे यहाँ जजमेंट हुआ है, हमारी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो है, जिसमें हमारे जज श्री रामकिशोर यादव ने इनके द्वारा जो अभियुक्त है महेंद्र, इसको आजीवन कारावास की सजा और 80,000 रुपये से दंडित किया गया है। ये घटना 15/7/2023 की थी। ये अपनी बच्ची जिसकी बेटी की उम्र थी 10 वर्ष, ये पिता है अभियुक्त जो है अपनी बेटी को आधार कार्ड बनवाने के बहाने से हिंदुस्तान कॉलेज की झाड़ियों में ले गया। वहाँ ले जाकर इसने अपनी बच्ची के साथ में दुष्कर्म किया, बलात्कार किया। बलात्कार जब बेटी ने विरोध किया, चीखी चिल्लाई तो उसने अपनी बच्ची को मां पिटाई करी है। जब बच्ची घर पर आई है तो अपनी मां को सारी घटना की जानकारी दी है। मां ने थाना परे पे जाके ये मुकदमा लिखाया था, जिसमें कि मात्र 26 दिन के कार्य दिवस के अंदर हमारे माननीय जज साहब के द्वारा ये जजमेंट दिया गया है, जिसमें अभियुक्त को महेंद्र को आजीवन कारावास की सजा और 80,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। तो वहीं सीमा हैदर और सचिन मीणा की प्रेम कहानी पर अब कई सवाल खड़े हो चुके हैं। आपको बता दें कि सीमा पबजी गेम खेलते हुए सचिन से संपर्क में आई थी और इसके बाद वो सरहदों को पार करते हुए भारत आ गई और अपने साथ 4 बच्चे भी लेकर आई। सीमा हैदर का कहना है कि वो अपने प्यार यानी सचिन के लिए भारत आई है। तो वहीं सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर उठते सवालों से सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं। एटीएस ने सीमा और उसके प्रेमी सचिन और सचिन के पिता से पूछताछ की है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, जानते हैं कि एटीएस ने सीमा से क्या क्या सवाल किए। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी का नया मोड़। एटीएस ने सीमा, सचिन और उसके पिता से की पूछताछ। एटीएस के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई सीमा हैदर। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछे 15 सवाल। पहला सवाल, सीमा सचिन की पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? दूसरा सवाल, क्या दोनों सचमुच पबजी पर ही मिले थे? तीसरा सवाल, सचिन से मिलने से पहले सीमा का सच क्या था? चौथा सवाल, सोशल मीडिया पर कहां कहां सीमा के अकाउंट हैं? पांचवा सवाल, भारत आने तक सीमा किन किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करती थी? छठा सवाल, बचपन से लेकर भारत आने तक सीमा की पूरी कुंडली क्या है? सातवां सवाल, कराची से काठमांडू तक के सफर की कहानी क्या है? आठवां सवाल, काठमांडू के किस होटल में वो सचिन के साथ रुकी थी? नौवां सवाल, पाकिस्तान में सीमा ने अपना जो घर बेचा उसके क्या सबूत हैं? दसवां सवाल, सचिन और उसके पति गुलाम हैदर का सच क्या है? 11वां सवाल, सचिन से मिलने के बाद सीमा की हिंदी अच्छी हुई या पहले से थी?
बारहवां सवाल, क्या सीमा किसी पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में थी? तेरहवां सवाल, क्या पबजी या दूसरे गेमिंग ऐप पर सचिन से पहले भी सीमा का कोई दोस्त था? चौदहवां सवाल, क्या सचिन के अलावा भारत में सीमा का कोई और दोस्त भी है? पंद्रहवां सवाल, पिछले कुछ सालों में सीमा कौन कौन से मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही थी? तो यूपी एटीएस की पूछताछ जारी है, क्या खुलासा होता है इस मामले में देखना दिलचस्प रहेगा। और चलिए अब रुख करते हैं 75 जिले 75 खबरों का। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला पहुंचा नवोदय विद्यालय परिसर, अमृत वाटिका रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुजफ्फरनगर में एनआईए ने सीज किया ड्रग्स स्मगलर का घर, 500 करोड़ की चरस बरामद। मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत अध्यक्ष ने जनपद हेतु स्वास्थ्य कर्मचारी को नियुक्ति पत्र सौंपा। चंदौली में डीएम निखिल टीकाराम ने सौंपा नियुक्ति पत्र, स्वास्थ्य विभाग में नियुक्त मिलने के बाद अखिले लाभार्थियों के चेहरे। कन्नौज में सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत, डीएम ने हरी झंडी दिखाई। औरैया में पुलिस की अभद्रता से आक्रोशित होकर आरएसएस कार्यकर्ताओं ने थाने का किया घेराव। उन्नाव में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की हुई शुरुआत, विधायक ने दिखाई हरी झंडी। शिक्षा मंत्री संदीप सिंह पहुंचे मथुरा, उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में एनआईए ने लाखों की संपत्ति की सीज, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ की आशंका से सहमे लोग। रायबरेली में जनता दर्शन में मंडलायुक्त ने सुनी लोगों की समस्या। आगरा में बढ़ा यमुना का जलस्तर, कैलाश मंदिर में हुआ जलभराव। मुजफ्फरनगर में बारिश से इलाकों में जलभराव, अधिकारियों ने लिया बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा। आजमगढ़ में एक हत्याकांड मामले में 4 साल बाद खुलासा, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में भाई के नाम पर फर्जी पासपोर्ट और वीजा लेकर विदेश यात्रा करने वाला चढ़ा पुलिस के हत्थे। सहारनपुर में नशे में धुत युवती ने काटा हंगामा, पुलिसकर्मियों को दी गाली। लखनऊ में कार चालक ने मासूमों पर चढ़ाई गाड़ी, घटना कैमरे में कैद। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग, आग लगने से काफी नुकसान। कानपुर में जेटीएन कंपनी के कर्मियों ने की हड़ताल, वेतन न मिलने से नाराज कर्मी। ललितपुर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर मांगी जा रही रंगदारी, पुलिस ने आरोपियों पर 25,000 का इनाम किया घोषित। बलिया में नवनियुक्त चेयरमैन का अग्रिम जमानत खारिज, चुनाव के दौरान जन्मतिथि में हेराफेरी करने का आरोप। सहारनपुर में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एटीएस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार। आगरा में पुलिस को मिली कामयाबी, ओवरलोड गिट्टी से भरे 2 ट्रकों को किया सीज। अलीगढ़ में प्राइवेट हॉस्पिटल में खुलेआम गर्भपात कराने का मामला आया, बोर्ड लगाया दिखा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।